सो हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एफएनओ पे चर्चा। तो पास्ट के कुछ वीडियोस में हमने समझा था कि व्हाट इज ऑप्शन, व्हाट इज कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, एंड रीसेंट वीडियोस में हमने ये समझा था कि व्हाट इज मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन, प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है, ब्रेक इवन कैसे निकलता है कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस का। सो इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, तो आई वुड सजेस्ट वॉचिंग दैट वीडियो, द लिंक वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन। तो टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो, तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि when we exactly buy a call option and when we sell a put option, that is something which we'll try to understand. And हम समझेंगे कि एक naked put option हमें usually क्यों नहीं sell करना चाहिए. Okay, basically what would be the consequences which might we face जब हम एक naked put option short करते हैं तब. So चलते हैं to in the video, and as we do it at Quantsapp, we try to make the complex thing simple. तो वैसे ही करते हैं इन दिस वीडियो एज वेल। सो नाउ टॉकिंग अबाउट व्हेन वी बाय अ कॉल, सो फर्स्ट वन इज कि जब हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, सिमिलरली व्हेन वी बाय अ पुट ऑप्शन इज व्हेन वी एक्सपेक्ट कि मार्केट यहाँ से बेरिश रहेगा। नाउ कॉल ऑप्शन हम कब सेल करते हैं, बेसिकली कि हमें जब लग रहा है कि मार्केट वहाँ से नीचे जाएगा, या तो फिर मार्केट स्लाइटली इट वुड बी फ्लैट ओवर देयर, मतलब मार्केट एटलीस्ट ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा तो चलेगा, लेकिन मार्केट ऊपर भी नहीं जाएगा तभी वी आर गोइंग टू सेल अ कॉल ऑप्शन, कॉल हम शॉर्ट करेंगे। ओके, तो जैसे हमने पास्ट में समझा था, नॉट नेसेसरीली व्हेन वी आर सेलिंग एन ऑप्शन कि प्राइस नीचे ही जाना चाहिए, अगर प्राइस वही का वही भी रह जाता है, स्टिल हम जो है ऑप्शंस में टाइम वैल्यू ऑफ मनी के थ्रू एक प्रीमियम अर्न कर सकते हैं इफ वी हैव शॉर्टेड दैट ऑप्शन, सेल किया है तो। बाइंग के केस में दैट वुड बी आर लॉस। सो आई होप द अंडरस्टैंडिंग्स आर क्लियर अप टिल नाउ। नाउ टॉकिंग अबाउट द पुट साइड, तो पुट ऑप्शन में हम पुट बाय करेंगे जब मार्केट नीचे जा रहा है, ओनली नीचे जाएगा तभी प्रॉफिट होगा, फ्लैट रहेगा तो नहीं प्रॉफिट होगा, क्योंकि थीटा के थ्रू जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसके वजह से हमें लॉस होता रहेगा दिन ब दिन। लेकिन हम अगर पुट शॉर्ट करते हैं, सो लेट्स से वी शॉर्ट अ पुट ऑप्शन, ओके वी सेल अ पुट, सो इन दैट सिनेरियो नॉट नेसेसरीली मार्केट नीचे जाना चाहिए, मार्केट अगर माइंडली वो रेंज में भी रहा ना, स्टिल वी वुड अर्न समथिंग दैट इज ड्यू टू द थीटा डी के, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो लूज हो रहा है, जो दिन ब दिन कम हो रहा है एक प्रीमियम में से, ऑप्शन में से टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो नाउ जब आई कम्युनिकेट विद अ लॉट ऑफ आर पार्टिसिपेंट्स, तो जिसमें अ लॉट ऑफ फीडबैक आई गेट इज कि हम पुट ऑप्शन शॉर्ट करते हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, एंड अल्टीमेटली जैसे जैसे मार्केट ऊपर नहीं भी जाता है तो फिर भी थीटा डीके के थ्रू हम वी विल ट्राई टू मेक सम प्रॉफिट। सो दैट इज द रीजन मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स शॉर्ट अ नेकेड पुट, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट Only a naked put option. तो naked put option क्या होता है, basically naked option buying या selling क्या होता है कि आपने without any protection, without any covering or hedging your position, आपने एक call option या put option buy या sell किया है। Stand alone जब आप कुछ option buy या sell करते हैं, that is called as a naked option buying or selling. So coming to the point, तो why we shouldn't be shorting a put option, तो समझते हैं वो। So now let's say हम like what we ideally do is, let's say just for an example I am bullish on Nifty, but ना मुझे call option buy नहीं करना है क्योंकि ना मुझे लग रहा है कि okay अभी ना as I am recording this video on Friday, मुझे लग रहा है कि okay जो Saturday है and Sunday trading holidays में यहाँ पे मैं कुछ trade नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मेरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी है जो दिन ब दिन घटते ही जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, आई डोंट बाय एन ऑप्शन बिकॉज वो टाइम वैल्यू लॉस होते रहेगा। सो व्हाट आई डू, व्हाट आई डू इज मैंने यहाँ पे ये जो पुट ऑप्शन है ना 15,700 का, जिसका प्राइस है 106 रुपीज, तो आई प्ले इट स्मार्ट। मैं क्या करता हूँ ना कि ये पुट ऑप्शन शॉर्ट कर देता हूँ नेकेड 106 रुपये का पे, जो अभी उसका प्रीमियम है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मंडे तक मार्केट लेट्स से फॉर एन एग्जांपल कि फ्लैट भी रह गया तो थीटा डीके तो मुझे दो दिन का मिलेगा ही, सो आई प्लेड वेरी स्मार्ट इन दिस केस एंड मैंने पुट ऑप्शन शॉर्ट कर दिया। नाउ लेट्स अज्यूम अ सिचुएशन कि अभी पुट ऑप्शन में एंट्री तो ले लिया है, फर्स्ट थिंग आई कांट एग्जिट आउट माई पोजिशन
मंडे के पहला, राइट। नाउ लेट्स से कि दो दिन है, ओवरनाइट रिस्क है हमारे पास। नाउ लेट्स से जस्ट इन केस डिजास्टर आ गया, जो नहीं होना चाहिए, बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल, लेट्स से डिजास्टर कम्स इन, सम स्कैम पॉप्स अप अचानक से, लेट्स से कि सैटरडे एंड संडे है, तो जस्ट कोई एक मीडिया में आउट ऑफ नोवेयर एक स्कैम पब्लिश हो जाता है, विच एक्चुअली इज गोइंग टू अफेक्ट द मार्केट नेगेटिवली, और एल्स लेट्स से कि एक एनिमी कंट्री अटैक कर देता है हमारे पे, और लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आरबीआई अनाउंसेस समथिंग विच इज काइंड ऑफ गोइंग टू अफेक्ट द मार्केट नेगेटिवली, एंड जो मार्केट में नेगेटिव न्यूज है ना, दैट अफेक्ट्स द स्टॉक मच मोर रैपिडली देन अफेक्टिंग इट पॉजिटिवली। मतलब जो पॉजिटिव न्यूज जो है, जो स्टॉक में आता है, मार्केट में आता है, उसके वजह से जो प्राइस ऊपर जाता है ना, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन जो मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आता है ना, उसके चलते तुरंत ही प्राइस में ड्रॉप विटनेस होता है। जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले अडानी एंटरप्राइजेस के केस में देखा था, अडानी एंटरप्राइजेस ओपन डायरेक्टली विद द गैप डाउन ऑफ 10%। ओके, सो आइडिया इज कि जो नेगेटिव मूव है वो रैपिडली हिट करेगा, पॉजिटिव मूव आने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। नाउ जस्ट टू गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल, लास्ट टाइम जब कोविड हुआ था इन इंडिया, इट अनफॉर्चुनेटली हिट आर कंट्री पैंडमिक में, तो इन दैट केस मार्केट लोअर सर्किट तो तुरंत आ गया, व्हाट इन नेक्स्ट टू और थ्री डेज, समथिंग लाइक दैट, करेक्ट अप्रॉक्सीमेटली। तो नेगेटिव न्यूज़ के वजह से मार्केट नीचे आया इन नेक्स्ट टू नो टाइम, लेकिन सेम मार्केट 40% रिकवर होने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, इट टुक अप्रॉक्सीमेटली 6 months, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज जो है इट इम्पैक्ट्स स्लोली एंड स्टेडिली इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, लेकिन जो नेगेटिव न्यूज है दैट इम्पैक्ट्स वेरी स्पॉन्टेनियसली वेरी क्विकली। सो आइडिया इज जो ये 106 रुपये है ना, दैट इज माई मैक्सिमम प्रॉफिट इन केस ऑफ अगर मैं पुट ऑप्शन बेचता हूँ तो, ये वाला। सो नाउ द आइडिया इज कि ये जो 106 रुपये का जो प्रीमियम है ना, अगर मैं इसको सेल करता हूँ एंड इफ आई होल्ड इट ओवरनाइट अप टू मंडे, ठीक है, सिचुएशन गोज इन माई फेवर, आई विल बी इन अ मच मोर बेटर विन विन सिचुएशन, लेकिन जस्ट इन केस ये जो हमने अभी डिजास्टर इवेंट्स जो डिस्कस किए, जस्ट इन केस अगर उनमें से कुछ आता है तो निफ्टी कैन गो एनी वेयर, राइट। निफ्टी जस्ट अज्यूम इफ इट ओपन्स विद अ गैप डाउन ऑफ 3%, 5%, तो फिर वो केस में क्या होगा, अल्टीमेटली 106 रुपये का जो प्रीमियम है ना, दैट वुड गो नोवेयर। तो लेट्स ट्राई टू सिम्युलेट इट कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू लुक लाइक। तो हम हैं अगेन इन व्हाट इफ एनालिसिस, लेट्स से कि यहाँ से निफ्टी प्राइस हो गया 15,300, निफ्टी आ गया, ओके, एज ऑन मंडे। सो आई विल गो ऑन डेज, आई विल गो ऑन डेट एंड आई विल सिलेक्ट एनी टाइम। लेट्स से कि मंडे को जो है निफ्टी समवेयर अराउंड 11-12 बजे के आसपास, ठीक है, 11:46 के आसपास जो है चले गया 15,300 पे, तो यू कैन इमेजिन दैट 106 रुपीज़ के लिए जो हम प्रीमियम पे आए थे ना, उसका प्राइस तुरंत ही हो गया 401 रुपीज़, डायरेक्टली 295 रुपीज़ ऑफ लॉस आई एम फेसिंग इफ आई हैव शॉर्टेड दैट नेकेड पुट ऑप्शन। एंड लेट्स से कि ये कंटिन्यू होते रहा कि हमें लग रहा है कि ओके मार्केट रिवर्स होगा यहाँ से, लेकिन नहीं हो रहा है। लेट्स से मार्केट चले गया अप टू 15,000, माई लॉस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, मेरा लॉस जो है वो बढ़ते रहेगा। 106 रुपये का प्रीमियम 700 रुपया हो गया है इफ़ आई होल्ड इट अप टिल मंडे एंड प्राइस रीचेस अप टिल 15,000। अल्टीमेटली आइडिया इज कि मार्केट नीचे जाने तुरंत चले जाएगा, वन नेगेटिव न्यूज विल क्रैश द एंटायर मार्केट, बट देर वुड बी रिक्वायरिंग मल्टीपल डेटा पॉइंट्स एंड मल्टीपल फंडामेंटल्स एंड आई वुड से टेक्निकल्स एंड वॉट नॉट थिंग्स फॉर मार्केट टू कंसिस्टेंटली गो अप। सो आप लोगों ने कितनी बार ऐसा इमेजिन किया है, लेट्स से कि कितनी बार ऐसा विटनेस हुआ है कि कुछ एक पॉजिटिव न्यूज़ आया एंड तुरंत ही स्पॉन्टेनियसली नेक्स्ट मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर चले गया, लाइक बहुत ज़्यादा। अल्टीमेटली दोज आर वेरी रेयर सिनेरियोस, राइट, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट जब नीचे जाएगा इट विल गो वेरी ड्रास्टिकली, लेकिन ये सेम अभी जो
हमने कितना 800 पॉइंट्स यहाँ पे लूज किया है ना, या 700 पॉइंट्स यहाँ पे जो लूज किया है मार्केट, सभी को पता है हम कि उतना गेन करने में मार्केट ने रफली वन मंथ लिया है। सो डू यू थिंक एक्सपायरी डेट तक 106 रुपया प्रीमियम रिटर्न होगा? डू यू थिंक निफ्टी 15,700 रिटर्न होगा? नो राइट, बिकॉज इज गोइंग टू बी अ स्लो एंड स्टडी प्रोसेस, अल्टीमेटली कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आया तो। बट हाँ, कॉल सेलिंग, वाई इज नॉट कॉल सेलिंग दैट रिस्क इज, ऑब्वियसली रिस्क इज अनलिमिटेड, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि अपवर्ड्स मूव जो आता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स में इट इज स्लो एंड स्टडी मूव, लेकिन तो कॉल में आपको लॉस तो होगा लेकिन एक ड्रास्टिक स्पाइक आने का चांसेस बहुत कम रहता है, लेकिन इन केस ऑफ डाउनफॉल इट वुड बी वेरी स्पॉन्टेनियस। सो दैट इज द रीजन एज आई थिंक इट कि शॉर्टिंग अ नेकेड पुट बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। लाइक वाइल सेलिंग अ कॉल ऑप्शन यू आर रिस्किंग योर बैंक अकाउंट, लेकिन जब आप नेकेड पुट शॉर्ट करते हैं ना, नेकेड पुट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि आपका बैंक अकाउंट के साथ यू आर ऑल्सो यू नो रिस्किंग आउट योर एंटायर पोर्टफोलियो अलॉन्ग विद इट। सो आई वुड से द होप द आइडिया इज क्लियर एंड आई होप द लॉजिक इज क्लियर बिहाइंड इट। सो आई वुड से दैट प्रिटी मच वॉज इट फ्रॉम दिस वीडियो। तो इफ यू हैव फाउंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी अदर थॉट्स और प्रोसेस विद रिगार्ड्स टू द सेम, तो आप लोग पोस्ट कर सकते हैं इन द कॉमेंट सेक्शन। आई वुड बी हैप्पी टू रीड दोज कमेंट्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सो स्टे सेफ एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।